नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप मेरे चैनल एमपी स्पीक को देख रहे हैं। एंटीलिया मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे देश के महाराष्ट्र प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्लान एक बार फिर से फेल होता नजर आ रहा है। 100 करोड़ की वसूली के आरोप पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने देशमुख का बचाव करते हुए कहा था कि देशमुख कोरोना पॉजिटिव थे और 6 से 27 फरवरी में वो नागपुर में थे, लेकिन इसको गलत साबित करता हुआ एक डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि बातें कुछ और हैं, स्थिति कुछ और है। पवार के दावे पर सवालिया निशान लगाने वाला एक डॉक्यूमेंट इस समय वायरल हो चुका है। इसमें ये दावा किया जा रहा है कि देशमुख के साथ साथ और भी लोग थे जो एक प्राइवेट जेट में 15 तारीख को नागपुर से मुंबई गए थे। और भाजपा का ये कहना है कि अगर ये सही है तो फिर परमवीर का दावा भी सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है, साफ किया है। और जिस दिन से एंटीलिया केस सामने आ रहा है, आए दिन नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और अब ये डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट नागपुर की सिल्वर जुबली ट्रेवलर लिमिटेड नाम की कंपनी का है। इसमें ऑपरेटर का नाम वीएसआर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और उड़ान की तारीख 15 फरवरी 2021 है। और पर्चे में विमान को उड़ाने वाले कैप्टन का नाम उत्पल कुंडू और राहुल ओबराय है। पैसेंजर की लिस्ट में सबसे ऊपर अनिल देशमुख का नाम है जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। उनके अलावा 7 और लोग भी हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के नेता विपक्ष और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने शरद पवार की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसमें जिक्र भी किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी सुबह हुई है और उसमें कहा गया है कि देशमुख 6 से 15 फरवरी तक हॉस्पिटल में थे और फिर होम क्वारंटाइन थे। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शरद पवार की, उसका हवाला उन्होंने दिया। और इस पर फडणवीस ने कहा है कि हमें उनका यानी कि देशमुख का एक टिकट मिला है जिससे ये साबित होता है कि वो प्राइवेट जेट से नागपुर से मुंबई गए थे। कुछ और भी दस्तावेज हैं जो एक अलग कहानी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा है कि मुंबई पुलिस का एक मूवमेंट लेटर भी हमें मिला है। इस लेटर के हिसाब से 17 फरवरी को अनिल देशमुख को सह्याद्री गेस्ट हाउस में जाना था। दूसरा लेटर मिला है 24 तारीख का, जिसमें लिखा है कि अनिल देशमुख सुबह 11 बजे अपने निवास स्थान से मंत्रालय जाएंगे। वे गए कि नहीं गए ये दावा मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरे हाथ पुलिस का एक ये मैनिफेस्ट हाथ में आया है। और फडणवीस ने कहा है कि परमवीर सिंह ने भी लेटर लिखा है, उसमें भी कई एसएमएस का जिक्र है। शरद पवार जी को सही ब्रीफिंग नहीं दी जा रही थी, उनके मुंह से गलत बातें करवाई गई। मेरा मानना 15 से 27 फरवरी तक जो बात सामने आ रही है कि गृह मंत्री होम आइसोलेशन में थे, वो ये बात गलत है। वे अपने घर में नहीं थे, होम आइसोलेशन में नहीं थे। मुझे जानकारी मिली है कि इस दौरान कई लोग उनसे मिलने उनके आ गए, उसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। परमवीर सिंह के आरोप पर अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है। ईडी की जाँच की आज वजह से होते हुए अब अनिल देशमुख तक पहुंच सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी वजह के बारे में एनआईए के अधिकारियों से जानकारी लेने वाले हैं, उसके बाद जांच शुरू कर देंगे। उधर परमवीर सिंह ने अपने आरोपों की सीबीआई की जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई हुई है और ईडी के सूत्रों के मुताबिक वजह इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस सकते हैं। उनके पास ऐसे कई लग्जरी गाड़ियां, बेनामी संपत्तियां, कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और कैश बरामद हुए हैं।
एनआईए को उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलने के सबूत सुराग भी मिले हैं। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में ये आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी उन्होंने लगाई है उसमें उन्होंने कहा है कि फरवरी 2021 से देशमुख पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सचिन वजे और एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच संजय पाटिल जैसे अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। और अर्जी में ये दावा किया गया है कि देशमुख ने उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा कराने का टारगेट दिया था। 100 करोड़ की ये जो सनसनी है ये इस समय कई लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है। देशमुख ने उन्हें अलग अलग प्रतिष्ठानों और दूसरे सोर्सेज से पैसे जुटाने का निर्देश दिया और परमबीर सिंह की अर्जी में महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्रालय और सीबीआई को प्रतिवादी बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की बड़ी खबर जो मैंने आपसे शेयर की है। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। जय हिंद, जय भारत।